नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। धान उपार्जन की धीमी प्रक्रिया से किसानों में रोष, स्लॉट बुक करने के बाद भी धान बेचने करना पड़ रहा लंबा इंतजार। और एनसीसी कैडेट्स ने निकाली नशा मुक्त समाज रैली, रैली के माध्यम से लोगों को नशे के दुष्परिणामों से कराया अवगत, नशे के सेवन से दूर रहने का दिया संदेश। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया की धीमी गति एवं अव्यवस्थाओं से किसान परेशान हैं। दमोनाकर स्थित कृषि उपज मंडी में आए किसानों का कहना है कि स्लॉट बुक करने के बाद भी उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ता है। कृषि उपज मंडी में धान बेचने पहुंचे किसान अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। उनका कहना है कि समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए स्लॉट बुक किए जाते हैं और उसके बाद स्लॉट के हिसाब तय समय पर किसान धान लेकर पहुंचता है, लेकिन इसके बाद भी उसे काफी इंतजार करना पड़ता है। वहीं मंडी में व्याप्त अन्य समस्याओं को भी दुरुस्त किए जाने की मांग कृषकों द्वारा की जा रही है। सहपरा भटौनी से आए हैं। धान खरीदी में जो अनियमितताएं चल रही हैं, उसमें हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्लॉट बुक करते हैं तो दिन दिन भर हम लोगों को कृषि उपज मंडी में ही बैठना पड़ता है। सरकार की तरफ से सफल है, लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धांधली होती है। हाँ, धांधली होती है। जो क्या क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, हम लोग जो दिन दिन भर का जो हम लोगों को समय लगता है वो थोड़ा सा कम समय में काम हो जाए, तो हम लोगों को दूसरे काम भी रहते हैं वो हम लोग कम्प्लीट कर सकें। किसानों ने खरीदी की प्रक्रिया में तेजी लाने की मांग की है। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स द्वारा सदर शिवाजी मैदान से जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर कैडेट्स ने युवाओं को नशे के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया। नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को साकार करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स के द्वारा नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। सदर शिवाजी मैदान से निकाली गई रैली के जरिए एनसीसी कैडेट्स ने लोगों को नशे के घातक परिणामों की जानकारी दी। हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हम सबका एक ही नारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। हम सबका। कमांडिंग ऑफिसर अनिल कुमार यादव ने बताया कि इस रैली का मकसद नशे की लत का शिकार लोगों को इस बात का एहसास दिलाना है कि नशे का सेवन किस कदर घातक हो सकता है, लिहाजा इससे दूर रहा जाए। ये आज जो ये रैली की जा रही है, ये 1 MP आर्मर्ड स्क्वाडन NCC जबलपुर द्वारा की जा रही है। इस रैली में लगभग 150 कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जो कि जबलपुर के विभिन्न स्कूल और कॉलेजों के कैडेट्स हैं। इस रैली में हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी आजकल के नौजवान हैं उनमें ड्रग्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है, और जैसे कि गवर्नमेंट भी बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है उसको रोकने के लिए, तो इसी तर्ज पर हम लोग भी आज एक से नो टू ड्रग्स रैली का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कैडेट्स जो भी जबलपुर के लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। सदर शिवाजी मैदान से निकली रैली ने प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर लोगों को नशे से दूर रहने के प्रति जागरूक किया। रानी दुर्गावती एवं वीरेंद्रपुरी वार्ड के कई क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इनमें सबसे बड़ी समस्या नियमित साफ सफाई ना होना है, गंदे पानी की निकासी ना होना, कचरे के ढेर और नालियों की समस्या से क्षेत्रीय जनता का हाल बेहाल है। वीरेंद्रपुरी और रानी दुर्गावती वार्ड के कुछ इलाकों में नियमित सफाई ना होने से स्थानीय जनता परेशान है। जगह जगह फैली गंदगी, बजबजाती नालियों की समस्या से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि यदि नियमित रूप से सफाई होती रहे तो सभी को परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लिहाजा बीमारियां फैलने की भी संभावना बनी रहती है। ये भैया, ये रानी दुर्गावती वार्ड है जी। हाँ, यहाँ देखो सफाइयाँ नहीं है, नालियाँ पूरी भरी पड़ी हैं। ये सामने ढेर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। साफ सफाई के नाम से नहीं है बस। हाँ, अभी आ रहा है, अभी आदमी भेज रहे हैं, यही कराने को बस बोलते हैं जी। कितने दिनों से नहीं होता? अरे हफ्ता 15-15 20-20 दिन नहीं होता कुछ भी। ये वीरेंद्रपुरी वार्ड है, यहाँ पे सफाई होती है पर नियमित नहीं होती है, कभी होती है कभी नहीं होती है। नालों में बहुत ज़्यादा कचड़े मलबा जमे हुए हैं और ये नालियाँ सूखी डली हुई हैं, क्या साफ सफाई वगैरह नहीं होती? अभी कुछ दिन पहले हुई थी, फिर बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब नियमित नहीं है। नियम से अगर होने लगे तो फिर ऐसी गंदगी नहीं होती। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी महज खाना पूर्ति की जाती है एवं बाद में हालात वैसे ही बन जाती हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत महाकौशल प्रांत के द्वारा एक कार्यक्रम राइट टाउन में आयोजित हुआ, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया। इस मौके पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कर ग्राहकों को उनके कानूनी अधिकारों के साथ ही उत्पादों से संबंधित जानकारी भी दी गई। वहीं संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस को राष्ट्रीय ग्राहक दिवस के रूप में मनाने पर भी जोर दिया। यहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पर हम लोग एक प्रदर्शनी भी लगाते हैं जो ग्राहकों के हितों की बातें होती है उसके बीच में, जिस प्रकार से गैस के बारे में हम बताते हैं, नाप तोल विभाग के बारे में बताते हैं और इसी प्रकार के ग्राहक जागरण के कार्यक्रम यहाँ पर कार्यक्रम लोग प्रकाश डालेंगे। और यहाँ पर अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि हमारे भारत पेट्रोलियम से भी आए हैं, वो अपने सैंपल्स वगैरह लेकर आए हैं अपने गुणवत्ता दिखाने के हिसाब से। हम लोग एक डिमांड यह है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता दिवस की जगह इसको ग्राहक दिवस किया जाए, क्योंकि यह ज़्यादा कहना चाहिए अच्छा उन्नत शब्द है। हम लोगों की डिमांड कई प्रकार की, अभी हम लोगों ने अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की तरफ से कलेक्टर साहब के लिए ज्ञापन भी दिया है, जिसमें जबलपुर शहर के अंदर जो अतिक्रमण के जाल की वजह से कहीं के भी लेफ्ट टर्न नहीं खुले हुए हैं, यातायात बाधित हो रहा है, उसकी भी समस्या हम लोगों ने उनके सामने उठाई है। उसके अलावा अन्य समस्याओं से भी उनको अवगत कराया है, जैसे पेट्रोल पम्प में पेट्रोल की जो मात्रा है वो ज़्यादातर ग्राहक ऐसा कहते पाए जाते हैं कि हमारा एवरेज कम मिल रहा है गाड़ी का, तो या तो पेट्रोल की गुणवत्ता सही नहीं है या फिर वहाँ पर माप सही नहीं है। वही कार्यक्रम में संगठन से जुड़ी मांगों पर भी चर्चा हुई। रक्तदान महादान है, इसके माध्यम से किसी जरूरतमंद मरीज को नया जीवन मिल सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेडक्रॉस सोसाइटी एवं ICH के तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेडक्रॉस सोसाइटी एवं इंडियन कॉफी हाउस के सहयोग से माणोताल क्षेत्र में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव आशीष दीक्षित ने बताया कि इस शिविर में 1500 यूनिट से अधिक रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। चाहे थैलेसीमिया के पेशेंट हो या अन्य गंभीर मरीज हो, उनको रक्त की तुरंत आवश्यकता होती है, जिसके कारण हमारे ब्लड बैंक्स में रक्त की कमी हमेशा बनी रहती है। तो आप जो है सभी से मैं अपील करता हूँ कि नियमित रूप से जो है रक्तदान करें। अभी जो है शहर के जो तीनों प्रमुख हमारे शासकीय ब्लड बैंक है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और एल्गिन का ब्लड बैंक है, उनके द्वारा ये रक्त का संग्रह किया जा रहा है। आज भैया मेगा ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस की तरफ से अरेंज किया गया है, जिसमें अभी तक के 768 ब्लड डोनेट हो चुके हैं और अभी भी लाइन लगी हुई है, रिकॉर्ड 1500 का है जिसे तोड़ना है। इंडियन कॉफ़ी हाउस ये जितने भी मेंबर्स हैं इनकी तरफ से योगदान किया जा रहा है। मैं सभी ब्लड डोनेशन जो दिए हैं और जो दे रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं। इस शिविर के जरिए रक्तदान को लेकर फैली भ्रांतियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया। हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से निकाली जाने वाली पंचकोशी परिक्रमा के दौरान आयोजित छायाचित्र स्पर्धा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छायाकारों एवं संकीर्तन परिवार के सदस्यों को कला वीथिका में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। रानी दुर्गावती संग्रहालय कला वीथिका में आयोजित कार्यक्रम में हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा संकीर्तन परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया गया। शरद अग्रवाल ने बताया कि 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भेड़ाघाट स्थित हरे कृष्ण आश्रम से नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा का आयोजन हुआ था। इसमें छायाचित्र स्पर्धा भी आयोजित हुई थी, जिनके विजेताओं को रविवार को आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कृत किया है। नर्मदा पंचकोशी परिक्रमा समिति के द्वारा प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा की पंचकोशी परिक्रमा के बाद ये फोटोग्राफी प्रतियोगिता में विजेताओं का और सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ ही जो संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मंडल है, इसमें जो संकीर्तन की अलग जगा रहे हैं, ऐसे संकीर्तन करने वाले परिवारों का भी यहाँ सम्मान किया जाता है, जिसमें कुछ बुजुर्ग जो हमारे बीच में संकीर्तन करते करते गोलोकवासी हो गए हैं उनके परिवारों को भी यहाँ सम्मानित किया गया। साथ में जो अभी संकीर्तन मंडल में हर रविवार को जो संकीर्तन करते हैं उनका भी यहाँ पर परिवार के साथ सम्मान किया गया।
अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित समारोह में जन जन तक निमंत्रण पहुंचाने के लिए अक्षत कलश देश भर में पहुंचाए गए हैं। संस्कार धानी में अक्षत कलश की विधिवत आराधना कर राधा कृष्ण आश्रम ब्रजमोहन नगर छापर से शोभा यात्रा निकाली गई। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें देश भर के राम भक्त शामिल होंगे। इसी सिलसिले में राम जन्म भूमि से संस्कार धानी आए अक्षत कलशों का पूजन किया गया और ब्रजमोहन नगर छापर रामपुर से शोभा यात्रा निकाली गई। आज हमारे सनातन धर्म को बड़ा गर्व हो रहा है कि 500 वर्षों के बाद जो हमारे रामलला टेंट में बैठे हुए थे, आज हम बहुत खुश हैं जो कि हमारा राम मंदिर अयोध्या में बन चुका है। जो 22 जनवरी को रामलला हमारे गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे हैं, तो अयोध्या से जो अक्षय चावल आया हुआ है हमारे सनातन धर्मियों के हर घर घर पे हम लोग पहुंचाएंगे और ये कलश लेकर के हम एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में राम भक्त शामिल रहे। नकली जेवर अमानत के तौर पर रखकर 1,99,76,000 रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध सिविल लाइन पुलिस ने मामला कायम कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है। पूरा प्रकरण निजी बैंक की सिविल लाइन धनवंतरी नगर और तिलहरी शाखा के उप परीक्षक एवं अन्य लोगों की मिलीभगत से की गई धोखाधड़ी से जुड़ा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया है। HDFC बैंक में लोकेशन मैनेजर पुनीत नगर आधारताल निवासी विक्रम सिंह ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गोल्ड लोन के ऑडिट के दौरान इस बात का खुलासा हुआ कि न्यू रामनगर गोहलपुर के मनोज पटेल एवं कछपुरा के राहुल यादव के द्वारा लिए गए लोन में बतौर अमानत रखा गया सोना नकली है और इसका परीक्षण गोकुलपुर रांची में रहने वाले बैंक के उप परीक्षक सत्य प्रकाश सोनी के द्वारा किया गया था। लिहाजा उसके द्वारा जांच किए गए अन्य जेवरातों को भी परखा गया तो वो भी नकली निकले। पतासाजी करने पर जानकारी मिली कि बैंक की कुछ अन्य शाखाओं में इसी तरह का गोलमाल हुआ है। कुल 83 ऋण स्वीकृत हुए जिसकी राशि 1,99,76,000 रुपए है। शिकायत मिलने पर सिविल लाइन पुलिस ने अंकित सैनी और पंकज विश्वकर्मा को अभिरक्षा में लेकर उन्हें न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है एवं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें हमारे पास HDFC बैंक के कुछ ऑफिसर्स आए थे तो उन्होंने ये सूचित किया कि उनके पास गोल्ड लोन जो रखे जा रहे थे उसमें से कुछ गोल्ड लोन का उनने जब सेकंड वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराया तो उसमें से कुछ मतलब फर्जी निकले जो कि पर्टिकुलर किसी एक वैल्यूअर के थे। तो ऐसे उन्होंने 5 ब्रांचों में किया गया है। लगभग 83 अकाउंट होल्डर जो अभी तक उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं तो उनके संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर हमने 420 का मुकदमा दर्ज किया है थाना सिविल लाइन में। कितने लोग उसमें अभी 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी 83 अकाउंट होल्डर हैं उन सब में भी हम लोग अभी पतासाजी कर रहे हैं और जैसे जैसे जिनकी भी जो भी संलिप्तता पाई जाएगी सब पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैंक कर्मियों को भी इसमें नाम आ रहे हैं? इसमें बैंक कर्मी तो नहीं, अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में बैंक के द्वारा नियुक्त जो वैल्यूअर है उसका जरूर इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, क्योंकि जितने भी 83 अकाउंट होल्डर हैं उन सब में फर्स्ट वैल्यूअर वो सेम पर्सन था, तो हम लोग उस पर और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जो भी लीगल एक्शन लग रहा है। ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ का एग्जैक्ट अमाउंट मुझे। पुलिस ने सत्य प्रकाश सोनी, पंकज विश्वकर्मा, अंकित सैनी, शुभम साहू एवं अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।